जी हाँ, हेलो, नमस्ते, सत श्री अकाल, सलाम वालेकुम दोस्तों। फ्री डिश डीडीएस है तुम चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। वेलकम टू माय चैनल दोस्तों। आज इस टॉपिक पर हम जो बात करने वाले हैं उस टॉपिक का नाम है अदर स्पेस 45 डिग्री। तो जी हाँ बिल्कुल, 45 डिग्री आज मैं ट्रैक करने वाला हूँ दोस्तों इस डिश से। ये मेरा 93 डिग्री पे सेट है और 93 में सीधा मैं इसको 45 पर लेके जाऊंगा। और मैंने पहले भी वीडियो बना रखी है 45 के लिए, तो आज मैं फिर से इसका चेकअप करना चाहूँगा दोस्तों। इस डिग्री का भी मुझे इसमें इसका कितना सिग्नल मिल रहा है ये चेकअप जरूरी है। तो देखिए, रूटीन बाय रूटीन हर सैटेलाइट को मैं इन्फॉर्मेशन चेक करता रहता हूँ दोस्तों। कौन सा चैनल गया है, कौन आया है, कौन सा सैटेलाइट का सिग्नल है वीक है या आप लो है या हाई है, तो सारी इन्फॉर्मेशन मैं वीडियो में आप माध्यम से आप तक पहुँचाने वाला हूँ दोस्तों। कुछ हमारे पाकिस्तान से हमारे दोस्त जुड़े हैं, नए जुड़े हैं, तो उन्होंने हमारे चैनल की तारीफ की है दोस्तों, तो उनका बहुत बहुत शुक्रिया। उनका नाम है मोहम्मद रफीक भाईजान, आपका बहुत बहुत शुक्रिया चैनल से जुड़ने के लिए। तो ऐसे ही हमारे और भी तमाम मित्र हैं जो हमारे चैनल से जुड़ते हैं दोस्तों। सबसे अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को भी लाइक और शेयर भी कीजिए, ठीक है। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं दोस्तों। मैंने ये अभी 93 डिग्री पर उसको सेट किया, तो मैं आपको इसका सिग्नल बता देता हूँ सबसे पहले, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप मुझे आपको सारी डिटेल आपको देनी है ताकि मुझे आपको पूरी इन्फॉर्मेशन पता लग जाए कि मैंने अभी इसमें वीडियो में आपको क्या दिखाया, ठीक है। तो आपको सबसे पहले मैं एचटीपी से माध्यम से दिखाना चाहूँगा ये सैटेलाइट। ये टीपी है 1090। चलिए ठीक है, ये टीपी मैं आपको दिखा रहा हूँ सबसे पहले डीडी फिडिश की, ठीक है। डीडी फिडिश की टीपी है, ठीक है। दूसरी टीपी भी दिखाते हैं आपको, ये देखिए, ये सभी टीपी है। चलिए ठीक है, तो मैंने आपको डीडी फ्रीडिश की एक टीपी दिखा दी है। इसका मतलब ये है कि मैंने डीडी फ्रीडिश पर इसको ऑलरेडी सेट किया हुआ है, ठीक है दोस्त। तो चलिए अब मैं 93 डिग्री से 45 डिग्री जाऊंगा, अदर स्पेस 45 डिग्री, 45 डिग्री को मैं ट्रैक करूंगा, ठीक है। और आप भी बने रहिए दोस्तों, ठीक है। तो जल्दी से मैं उस टीपी को सिलेक्ट कर लेता हूँ क्योंकि टाइम टू टाइम हर सेटेलाइट की जानकारी होनी बहुत ज़रूरी है और आपको भी सबसे ज़्यादा ज़रूरी आपके लिए कि अगर कोई सेटेलाइट पर कोई नया प्रोग्राम या चैनल लॉन्च हुआ है तो आप जल्दी से जाके उस सेटेलाइट को ट्रैक कर पाए, ठीक है। तो आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, आपका हाथ बिल्कुल हो जाएगा इसको ट्रैकिंग करने के लिए बिल्कुल लायक हो जाएगा, तो इजीली आप कर पाएंगे और आपका समय भी नहीं खराब होगा, ठीक है। तो चलिए मैं आपको 45 डिग्री को ट्रैक करूंगा और सबसे पहले LNB इसकी स्क्यू चेक करूंगा इसका, ठीक है। ये तो अपना डीडी फिडिश का हो गया, लेकिन मैं अभी 45 के लिए इसको इतना घुमाऊंगा, ठीक है। ज़्यादा नहीं घुमाना, ठीक है। ज़्यादा तब घुमाते हैं जब डिग्री 20 से कम हो, 20 डिग्री से कम हो या 10 से कम हो, ठीक है। जितनी डिग्री कम होती जाएगी इसका जो स्क्यू है वैसे ही वैसे इतना 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 घूमता जाएगा, ठीक है। तो ये एक इन्फॉर्मेशन देनी थी। और चलिए हम इसको ट्रैक करते हैं, इसको थोड़ा सा लूज करता हूँ मैं और धीरे 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 थोड़ी सी मैं भी अपनी सेटिंग अच्छे से कर लूँ ताकि आसानी हो जाए। लीजिए, मुझे सिग्नल मिल गया, जरा सा भी मुझे समय नहीं लगा और मुझे सिग्नल मिल गया, ठीक है। और मैं थोड़ा इसको टाइट कर देता हूँ, ठीक है, टाइट, जल्दी से फिर आपको सिग्नल दिखा देता हूँ, ठीक है। अभी 71 मिला था, ठीक है, 71 से 59 आ गया। चलिए 61 हो गया, मैं आपको जल्दी से दिखाई देता हूँ, ठीक है। सिग्नल इसका बहुत ज़्यादा तेज है, मुझे 70 से ऊपर मिला था लेकिन अभी 60 और 61 तक जा रहा है इसका सिग्नल। ये देखिए, ये देख रही है, ठीक है। ये वो टीपी है 126/72 हॉरिजेंटल 47/62, ठीक है। तो ये देखने में, एक मिनट में इसकी वीप की आवाज़ बंद कर दी, ठीक है। ये देखिए, देखने में बिल्कुल सीधे लग रही है, ठीक है। आम जो डिश आती है ना थोड़ी सी उठी हुई होती है, लेकिन ये लगभग सीधी है, लगभग सीधी है, ठीक है।
तो मेरा डीडी फिटिज का यहाँ से था इसका सिग्नल, लेकिन अब इसको यहाँ पर कर दिया, मतलब यहाँ से 90 डिग्री हो तक हो गया इसका घुमाव हो गया, ठीक है। तो LNB आपको दिखा देता हूँ, LNB का स्क्यू मैंने कितना रखा है, यहाँ से भी दिखाना बहुत ज़रूरी है। ये वो स्क्यू है दोस्तों, ठीक है, ये देखिए, तो सॉलिड की डिश, ठीक है, ये देखिए, और कितना नीचे रखा है दोस्तों, ये भी देख लीजिए, ठीक है। तो ये वो इन्फॉर्मेशन थी दोस्तों, 45 डिग्री को मैंने ट्रैक करके दिखाया आपको सामने, तो काफ़ी अच्छा सिग्नल मिल रहा है मुझे। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो मुझे कमेंट में जरूर बताना, और डिश संबंधी कोई जानकारी चाहिए तो वो भी आप पूछ सकते हो, मैं आपकी पूरी मदद करूँगा, क्योंकि मैं हर कमेंट का जवाब देता हूँ, ठीक है। आपको आपसे मतलब कोई इन्फॉर्मेशन आप हमसे साझा करना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो, शेयर करना चाहते हो शेयर भी कर सकते हो, ठीक है। तो चलिए किसी नेक्स्ट वीडियो में हम आपसे मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, और इस गर्मी में बड़ों का भी जरूर ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।